का प्रयोग संक्रमण या इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि फ्यूमिगेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी रसायन को गैसीय अवस्था में गैस टाइट एनक्लोजर यानी चारों तरफ से बंद चैम्बर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे कि हानिकारक कीट एवं पेस्ट को मारा जा सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके लिए जिन कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है उनमें दो प्रमुख हैं, जैसे पहला है मिथाइल ब्रोमाइड, दूसरा है एल्युमिनियम फॉस्फाइड। यानी फ्यूमिगेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी वस्तुओं को सुरक्षित कर सकते हैं या हानिकारक कीटों से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे की जाती है। आज मैं आपको इसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, फ्यूमिगेशन प्रोसेस या फ्यूमिगेशन प्रक्रिया, तो इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रोसेस कैसे होती है और किसी वस्तु को हम कैसे फ्यूमिगेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए कि जिस वस्तु का हमें फ्यूमिगेशन करना है, वो हमें वस्तु का चुनाव करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ मैंने लिया है वुडन पैलेट, तो इसको फ्यूमिगेशन के लिए सबसे पहले हमें एक समतल जगह चाहिए, यानी नीचे का जो फर्श हो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। और उसे साफ करने के बाद उस सब नीचे हम तारपुलिन या त्रिपाल बिछा देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम इन वुडन पैलेट्स को अरेंज करते हैं सिक्वेंसली और एक अच्छी तरह लाइन में लगा कर इकट्ठा कर लेते हैं या स्टैक लगा लेते हैं। इसके बाद हमें इसमें तीन मॉनिटरिंग लाइन लगानी होती हैं। मॉनिटरिंग लाइन क्या होता है? मॉनिटरिंग लाइन के माध्यम से हम इस चैम्बर में जब गैस रिलीज़ करते हैं तो हम इसकी गैस कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें तीन मॉनिटरिंग लाइन दी गई हैं, एक टॉप बैक, मिडल सेंटर, फ्रंट बेस। और ये एक फ़ैन लगाया जाता है जिसे एक्सियल फ़ैन कहते हैं या एयर सर्कुलेटिंग फ़ैन। जब हम इसमें गैस रिलीज़ होती है तो ये फ़ैन ऑन कर दिया जाता है, जिससे कि जो गैस है वो इस चैम्बर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब क्या करते हैं, इतने प्रोसेस करने के बाद हम इसे तारपुलिन की सहायता से, ये जो रेड कलर के आप देख रहे हो ऊपर, ये है तारपुलिन, तारपुलिन की सहायता से कवर कर देते हैं। कवर कर कर इसे चारों तरफ से सील कर देते हैं, जिससे कि यह पूरी तरह एयर टाइट हो जाए। इसके लिए हम रेत से भरे सैंड बैग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ब्लैक कलर के आप देख रहे हैं ये सैंड बैग हैं, इसकी सहायता से हम इन्हें सील कर देते हैं और इस प्रकार चारों ओर से इसे बंद कर दिया जाता है। और इसमें हम एक बॉर्डर लाइन खींच देते हैं। बॉर्डर लाइन एरिया मतलब यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि इस जोन के अंदर प्रवेश करना वर्जित है, और इस प्रकार का एक साइन लगा देते हैं ताकि इसमें कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई हानि या नुकसान किसी भी व्यक्ति को ना हो। और अब हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन इसमें एक पाइप और लगाई जाती है, जिसकी सहायता से जिसे हम वेपोराइज़र से कनेक्ट करते हैं, और वेपोराइज़र को एप्लीकेटर से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि गैस रिलीज़ की जाती है। वेपोराइज़र क्या कार्य करता है? वेपोराइज़र एमबीआर कैन से जो गैस लिक्विड फॉर्म में है उसे यह हीट जनरेट करता है, जिससे कि यह गैस या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होकर चैम्बर में जाता है, यानी गैस फॉर्म में चैम्बर में प्रवेश करता है या एनक्लोज़र में प्रवेश करता है, जिससे कि यह प्रॉपरली पूरे चैम्बर में डिस्ट्रीब्यूट या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। तो यानी आप इसे एक हीटर भी कह सकते हैं जो हीट जनरेट करता है। अब एप्लीकेटर की सहायता से एमबीआर कैन को रिलीज़ किया जाता है, यानी गैस छोड़ी जाती है, जिसके लिए एक फ्यूमिगेशन ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। फ्यूमिगेशन ऑपरेटर एक अधिकृत व्यक्ति होता है जिसे गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाता है यह कार्य करने के लिए, यानी इसके पास इस प्रकार की ट्रेनिंग
होती है जिससे कि एआर काम कर सके, क्योंकि एमबीआर और एएलपी दोनों ही प्रतिबंधित हैं। इनका इस्तेमाल सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है और बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। तो इसके लिए फ्यूमिगेशन ऑपरेटर्स को ट्रेंड किया जाता है। तो इसमें जो कम्युनिटी है वो है वुडन पैलेट। वुडन पैलेट का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वुडन पैलेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम माल को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से उठा सकें और रख सकें या ले जाया जा सके। तो वुडन पैलेट में भी कीट या पेस्ट लगने की संभावना होती है, इसलिए हम इसका फ्यूमिगेशन करते हैं। तो इस एमबीआर, इसमें हम जो डोज देते हैं वो 48 ग्राम पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से देते हैं, और मॉनिटरिंग लाइन की सहायता से हम इसकी 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद और 24 घंटे बाद रीडिंग को मेज़र करते हैं, जो जो कि हमें इंडिकेट करता है कि गैस अब इक्विलिब्रियम स्टेज में है या नहीं, मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुई है या नहीं। और 24 घंटे बाद हम इसकी डिगैसिंग कर देते हैं। डिगैसिंग करते समय हम थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू भी नापते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अब खतरे की कोई बात नहीं। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में और अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो जब फ्यूमिगेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो ये तारपुलिन हटाकर, सैंड बैग हटाकर कमोडिटी को या वस्तु को निकाल लिया जाता है और वह पूरी तरह फ्यूमिगेट हो जाती है या पेस्ट फ्री हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, और मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं और भी आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए यूं ही बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।